अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान रजा है। मेरे बेसिकली ज़रात एग्रीकल्चर नाल मेरा शोभा वाबस्ता है। मैं तकरीबन 20 साल तो ज़रात नाल ही चल रही हूँ। तो इस दफ़ा मैं तकरीबन 16-17 एकड़ गंदम काश्त की है। तो जो एग्रीकल्चर वाले सानू दस दिन आ दिन 21 दिन बाद लाजमी मस्ट पानी लाना चाहिए, पहला पानी, क्यों जी जो कोई रिया किया दाना होंगे वो ही जम आता है, वो उगाई हो जाती है और बाकी फसल ही अच्छी होती है। लेट करन नाल यानी कि जो दाना रह जाता नहीं उगता वह तकरीबन खत्म हो जाता। पानी लावन नाले उस तो बेस्ट हो जाता, यानी कि सारा बूटा शूटा ही ठीक बन जाती है, कणक ते फसल ही अच्छी हो जाती है। बजुर्ग साढ़े ही और ज़रात वाले आते हैं, जितना गुड़ उतना मीठा, जितना अगर मेहनत कर सो, जितना दिल ले सो अपनी फसल नाल उस तो उतना अनाज ज़्यादा देसी। इस वास्ते फसल से बढ़ चढ़ के मेहनत करनी चाहिए और उन्होंने टाइम से उसकी खुराक मेडिसन जो ही है स्प्रे वगैरह उन्होंने करना चाहिए। इस नाल बंदे दे यानी कि अनाज फर्क पाता, काफ़ी फर्क पाता और अल्लाह की जात बरकत पा दें। गंदम का जोड़ा एक एकड़ की जी काश्त सिर्फ ट्रैक्टर से बिजाई टाइम 25,000 एकड़ फी एकड़ यानी कि सानू खर्चा आया इस पर। तो बेहतर है भाई अगर ज़्यादा तो ज़्यादा असं DAP BOP सारे इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो बेहतरीन मालिक अल्लाह ने सानू रिजल्ट दिता। किसान भाइयों ने मैं मशवरा दसा भाई अपनी फसल से मेहनत करनी चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उस पर चढ़िया रहना चाहिए। साई पंजाबी का मकूला खेती साइया सेती, अगर खेती तो बंदा ना भी हो के अमसी तो बिल्कुल बंदा लॉस पा जी, बिल्कुल लॉस पा।